बड़े मंगलमय ऐसे वर्षावास के काल में बिहार में जाकर आप सभी हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं सभी भाई बहने बहुत बहुत बड़ा पुण्य कार्य कुशल कार्य अपने शरीर वाणी और मन से करते हैं। ये कुशल कार्य करने में ही बहुत बड़ी शक्ति बहुत बड़ा बल समाया हुआ है। तथागत बुद्ध ने ये वर्षावास के कार्यक्रम को बड़ा अधिक महत्व दिया है, क्योंकि वर्षा काल में भिक्षु संघ को बुद्ध ने आदेश दिया कि आप अधिकतर जहाँ वहाँ न जाकर एक जगह पर बिहार में रहने का संकल्प करके अपने बड़े धम्म के रास्ते पर चलकर लोगों को उपासक उपासिकाओं को ये अवसर दे ये संधि दे कि वो अधिक से अधिक धम्म का पठन पाठन कर सके, प्रत्यक्ष अभ्यास कर सके, ध्यान भावना कर सके, सूत्र पाठ कर सके, धम्म का स्मरण अपने शरीर वाणी और मन से पंच स्कंद से धम्म का साक्षात्कार कर सके, तो बड़ा कल्याण होगा उनका, बड़ा मंगल होगा उनका, उन्हें धम्म सेवा करने की संधि या अवसर इस समय बहुत अधिक रूप में मिलता है। वो शिविर दान देते हैं, द्रव्य दान देते हैं, सेवा दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, विहार के लिए कुछ करने का संकल्प करके दान करते हैं और महान महान इस त्रिरत्न की सेवा करके पुण्य के भागी बनते हैं। इसमें बहुत बहुत बड़ा बल छिपा हुआ है, समाया हुआ है। ये वर्षावास की शुरुआत तथागत भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम जब वाराणसी के नज़दीक इशीपतन मृगदाय वन सारनाथ में, जिन्हें आज सारनाथ कहते हैं, उस समय उसे वाराणसी का मृगदाय वन उसे कहा जाता था। तो ये मृगदाय वन में जहाँ मृग वगैरह यानी हिरण आदि हिरणे इनका जो सुरक्षित वन आज भी वो रखा हुआ है भारत सरकार ने भी, तो वहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम धम्म चक्र प्रवचन की देशना की। कैसे धम्म चक्र प्रवर्तित होता है उसकी देशना की, और वो देशना सर्वप्रथम इस धरती पर सारनाथ के वो वाराणसी के नज़दीक मृगदाय वन में हुई। उसका अपना बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। और तब से लेकर आज तक हजारों सालों तक इस परंपरा को, वर्षावास की परंपरा को, धम्म चक्र देशना की परंपरा को और धम्म के अभ्यास की परंपरा को सभी जगह चलाया जाता है। फिलहाल कुछ दिन पहले हम वाराणसी गए थे, सारनाथ गए थे, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने पहली धम्म की देशना दी, धम्म चक्र प्रवर्तन किया। उसी जगह पर हमने वहाँ जाकर एक धम्म चक्र सूत्र का विशेष रूप से अध्ययन किया, पाठ किया। करीब 300-350 भिक्षु वहाँ पर बैठे थे, सभी ने मिलकर वो वहाँ पर धम्मिक स्तूप है, उन स्तूप की चारों ओर बैठकर सभी ने उस सूत्र का पाठ किया विशेष रूप से, उसे दोहराया
और सभी को मंगल मैत्री वहाँ से भेजी गई। उसी प्रकार इस धम्म चक्र प्रवर्तन के निमित्त से वहाँ पर जो तिब्बती इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चलाई जाती है, कई सालों से, मतलब 50-65 साल उसको हो गया है, तब से लेकर ये कार्यक्रम वहाँ पर मनाया जाता है। इस साल विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ली गई धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में, और वो कॉन्फ्रेंस में एक दिन के लिए कॉन्फ्रेंस थी, एक दो दिन के लिए हम भी वहाँ पर गए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ है। तो ये जो परंपरा धम्म की, कि कैसे हम अपने जीवन में धम्म का साक्षात्कार करें, अपने इस मिले हुए मनुष्य देह को धम्म पवित्र पावन करने का रास्ता है, वो हमारे देह को पुनीत करता है, पवित्र करता है, इसे वैल्यूएबल बनाता है, इसे पवित्र और पूजनीय बनाता है। वो कैसे पूजनीय पवित्र होता है? कहने से नहीं होता, केवल बोलने से नहीं होता है, वो होता है आचरण से। उसका आचरण करो, धम्म का साक्षात्कार करो, अपने भीतर धम्म का दर्शन करो, धम्म का साक्षात्कार करो और उस ज्ञान को, उस धम्म को जानकर ये जीवन धन्य धन्य होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस धम्म का साक्षात्कार अपने शरीर में करने का रास्ता नहीं जानते, उन्हें पता नहीं है कि धम्म हमारे शरीर में ही छिपा हुआ है, उसका साक्षात्कार ये शरीर में पंचस्कंधे में ही होता है, ये मालूम नहीं था लोगों को। तथागत भगवान बुद्ध की ये विशेषता थी, ये विशेषता उनकी मानी जाती है कि उन्होंने वो रास्ता दिखाया कि सब धम्म बाहर नहीं होता है। सब धम्म यानी निसर्ग की नियामता, निसर्ग का नियम, निसर्ग की वास्तविकता, शरीर की वास्तविकता, हमारे मन की वास्तविकता, हमारे जीवन की वास्तविकता कहाँ है? वो किताब में तो उसका विवरण है, उसकी वास्तविकता, उसका दर्शन हमारे अपने शरीर में होता है। सद्धम्म का दर्शन अपने शरीर में होता है, ये बात सर्वप्रथम इस धरती पर धम्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से तथागत भगवान बुद्ध ने इस बात को सर्वप्रथम बताया। और जब ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना हुई तो सारे विश्व मंडल के जो देवी देवता, विश्व मंडल के दृश्य अदृश्य जीव सत्व करोड़ों की तादाद में वहां पर आए, उन्होंने सुना और कहने लगे कि आपके पहले किसी ने भी इस प्रकार की सत्यता को नहीं खोजा था, नहीं बताया था, आप पहले व्यक्ति है कि जिन्होंने चार आर्य सत्य का दर्शन कराया, उसकी खोज कराई और उससे मुक्त होने का, मुक्ति का मार्ग आपने बताया। ये धम्म चक्र प्रवर्तन में क्या है, क्या है उसमें? उसमें चार आर्य सत्य का दर्शन है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सील समाधि प्रज्ञा का रास्ता है। कि जो सील समाधि प्रज्ञा किसके लिए? सील समाधि प्रज्ञा व्यक्तियों के लिए, आदमी के लिए। सील समाधि प्रज्ञा ये उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए। तो उस कैसे करेंगे, उसे कैसे, उसे डेवलप करेंगे कैसे, उसे विकसित करेंगे? उसे विकसित अपने ही भीतर करना पड़ता है। सील का पालन हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है, सील का पालन हर एक उपासक को, उपासिका को करना पड़ता है। सील केवल किताब में पढ़ने और बोलने की बात नहीं होती, उसका पालन करना पड़ता है। 10 पारमिता का पालन कहाँ होता है? 10 पारमिताओं का पालन भी मनुष्य देह में, मनुष्य शरीर में ही किया जाता है। दान पारमिता, शील पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, उपेक्षा पारमिता, मेत्ता पारमिता, इस प्रकार की 10 पारमिताएं जिससे जीवन धन्य होता है, पवित्र होता है,
वो 10 पारमिताओं का भी दर्शन, उसका पालन मानवीय शरीर से होता है, मनुष्य देह से होता है। ये बात तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम बताई, उसके पहले इस बात को किसी ने नहीं दोहराया। उसके पहले जो बताया जाता था वो ऐसा ही कि तुम इसका स्मरण करो, उसका स्मरण करो, प्रार्थना करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, तुम कैसे व्यवहार करते हो इस पर ज़्यादा नहीं बल दिया जाता था। और मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुक्ति मिलेगी कब, कि इस वर्तमान जीवन में तुम अच्छा काम करो, अच्छा काम तो करो, ये बात सभी ने बताया, अच्छा काम करो, समाधि का अभ्यास करो, ध्यान भावना का अभ्यास करो, विपश्यना का अभ्यास करो। ऐसी बातें तो हमेशा बड़ी महत्व की होती है, ये बातें महान अनुभवी लोगों ने बताई है। और इसका जो जो व्यक्ति अभ्यास करता है वो उसको उस फलों को पाता है, फलों को पाता है। तो बुद्ध की विशेषता इसमें थी कि उन्होंने यह फल बाद में मिलेगा, मृत्यु के बाद मिलेगा। ये बात बुद्ध के काल में उस समय जहाँ वहाँ सर्वत्र मानी जाती थी। लेकिन बुद्ध ने सोचा कि ठीक है, बाद में मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में मुझे क्या मिलेगा इससे। वर्तमान में मुझे उस मुक्ति का, मोक्ष का साक्षात्कार हो सकता है क्या, और वो कैसा होता है, ये सही बात है क्या, इसे मैं जानूं तो, परखूं तो। इस प्रकार उसे जानने के लिए, परखने के लिए बड़ी तपश्चर्या की। उस समय जितने भी रास्ते प्रचलित थे, जितने भी योग साधना के मार्ग थे, ध्यान भावना के मार्ग थे, उस सभी पर वो चले, सभी को उन्होंने जानने का प्रयास किया, चलने का प्रयास किया। और सबसे चलने के बाद उन्होंने देखा कि आज भी मेरा मन क्रोध में डूबा हुआ है, आज भी मेरा मन द्वेष में, मैल में, विकारों में डूबा हुआ है। तो जब तक ये डूबा हुआ है, मैं उसे मुक्त कैसे समझ सकता हूँ, कैसे मैं द्वेष से मुक्त हुआ हूँ, कैसे मैं क्रोध से मुक्त हुआ हूँ, कैसे मैं समझ सकता हूँ। तो मुक्त नहीं ना हुआ मैं उसमें डूबा ही हूँ ना मैं। तो इसीलिए वो जानने लगे कि क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है, क्या संभव है क्या। कुछ लोग कहते कि नहीं भाई, ये तुम लोग अपने मन से लोभ को, दोष को, मोह को निकाल डालोगे तो कैसे जीवोगे। जीने के लिए लोभ भी चाहिए, आसक्ति भी चाहिए, ये बात तो सही है, चाहिए, लेकिन उसमें कंट्रोल चाहिए। मुख्य बात जो बुद्ध ने बताई, मध्यम मार्ग बताया, कि बहुत त्याग भी नहीं, बहुत त्याग करोगे तो भी परम सुख का आनंद नहीं ले पाऊंगे, और बहुत भोग भी नहीं, इस इंद्रियों के भोग में भी आनंद सुख को पाया जाता है, और उसमें बहुत लोग लगे रहते हैं, ये मुझे मिले हुए 6 इंद्रिय, इसमें जो आनंद आता है, जो सुख आता है, उसको भोगना, तो ये भी जीवन का एक रास्ता है, और उसे पूरी तरह त्यागना, ये भी जीवन का एक रास्ता है, लेकिन ये दोनों अति हैं। तो बुद्ध ने कहा कि परम सुख शांति पाने के लिए मुक्ति, मुक्त का, मोक्ष का साक्षात्कार, निर्वाण का साक्षात्कार वर्तमान जीवन में करने के लिए हमें मध्यम मार्ग से चलना पड़ेगा, तब ये जीवन से संगीत उभरेगा। ये जीवन दुख के लिए नहीं है, कष्ट के लिए नहीं है, ये जीवन में आनंद भी पाया जा सकता है, दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। दुख तो है ही, कई प्रकार का दुख है, लेकिन उनसे मुक्ति का रास्ता भी है, उससे मुक्त वर्तमान जीवन में हुआ जा सकता है। यही विशेष बात तथागत बुद्ध ने बताई, और वो मार्ग मध्यम मार्ग है। कि जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे सितार के तार को, ये वीणा के तार को, यदि हम उससे संगीत निकालना चाहते हैं तार से, तो बड़ी मधुर संगीत निकलती है सितार के तार से, वीणा के तार से बड़ी मधुर सुमधुर संगीत निकल सकती है, निकलती है, लेकिन कब निकलेगी। यह तार को हमने बहुत ढीला छोड़ दिया,
तो मधुर संगीत नहीं निकलेगी, वो टूट जाएगा, संगीत नहीं निकलेगी। और यदि उसे हमने बहुत टाइट कर दिया, बहुत तान लिया, बहुत टाइट कर दिया, तो तार से मधुर संगीत नहीं निकलेगी और टूट जाएगा। बहुत ढीला छोड़े तो भी संगीत नहीं है, ढीले छोड़ दिए सब उसमें संगीत नहीं, और बहुत टाइट कर दिए तो भी संगीत नहीं निकलेगी। तो कब निकलती है संगीत, ये बजाने वाले जानते हैं, ये वादक जानते हैं कि वो संगीत तब निकलती है कि उसे मध्यम मार मध्यम में रखना पड़ता है। बहुत टाइट भी ना करो, बहुत ढीला भी न छोड़ो, तब उससे मधुर संगत संगीत निकलती है। यही मध्यम मार्ग है। तथागत बुद्ध ने कहा ये मनुष्य जीवन बड़ा आनंद देने वाला है, संगीत देने वाला है, इसको आप उस ढंग से समझकर चलने लगो तो जीवन तुम्हारा मंगलमय बनेगा, जीवन यात्रा सफल हो जाएगी, आनंदमय बनेगा, आनंदमय बनेगा, और जीवन में ही उसका साक्षात्कार, सुख शांति का, परम सुख शांति का साक्षात्कार, संगीतमय जीवन का साक्षात्कार करोगे। ये बात तथागत ने बताई। और उससे भी आगे जाना है, निर्वाण को पाना है, अर्हत्व पद को पाना है, तो वो भी मध्य मार्ग से चलते 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 आप पूरी तरह इस शरीर और मन के परे जाकर, द बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर्स, द मेडिटेटर्स और साधक रिचेस एंड रियलाइजेस दैट स्टेज विच इज कॉल्ड निब्बानिक स्टेज विच इज बियॉन्ड द माइंड एंड मैटर्स। इस शरीर के भी परे, इस मन के भी परे ऐसी जो अवस्था, वो बड़ी ऊंची अवस्था है, उसका भी साक्षात्कार वर्तमान जीवन में ही किया जा सकता है, अर्हत पद को पाया जा सकता है। लेकिन उपासक उपासिकाओं के लिए तो पंचशील का पालन करे, अष्टशील का पालन करे, धम्म के रास्ते पर चले, और ये रास्ते पर चलकर वो श्रोतापन्न बन सकते हैं, उपासक उपासिकाएं वो सकृदागामी बन सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं, यानी बड़ी ऊंची अवस्था होती है ये फल की। जिसने सकृदागामी फल को पा लिया, धन्य धन्य हो गया उसका जीवन, पवित्र पूजनीय बन गया उसका जीवन। जिन्होंने अनागामी अवस्था को पा लिया, जिन्होंने श्रोतापन्न अवस्था को पा लिया, धन्य धन्य बन गया उसका जीवन। तो वर्तमान जीवन में ही ये जीवन धन्य बनता है, परम सुख शांति का साक्षात्कार किया जा सकता है। ये बात विशेष रूप से तथागत बुद्ध ने इस धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में बताई है। उस सूत्र को हम बाद में आपके लिए पढ़ेंगे, और कैसे उस सूत्र में सारी विश्व मंडल की कैसे देवी देवताएं उस सूत्र को सुनने के लिए, बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए, बुद्ध को वंदन करने के लिए कैसे आए हैं, उस सूत्र में कैसे बताया जाता है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आपको विशेष रूप से वो पढ़ के बताएंगे। और ये जो वास्तविकता तथागत बुद्ध ने बताई है, ये आज की ही नहीं, ये हजारों साल पहले से, हजारों साल पहले जिन लोगों ने, अरहतों ने जिनका साक्षात्कार किया, तथागत बुद्ध के सूत्र को जिन्हें जाना, पढ़ा, समझा, उस रास्ते पर चले और चलकर आज तक उसे वो संभालते आए हुए हैं। और ये सूत्र जो है, तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो दिया, वो काल्पनिक नहीं है, उसका इतिहास है। और वो सूत्र को भिक्षु संघ ने, जब बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 90 दिन के बाद पहली संगीति हुई, बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो पहली संगीति हुई, उस संगीति में ये सूत्र को दोहराया गया। क्या क्या बुद्ध ने सिखाया, कैसा सिखाया, ये सभी 500 विशेष अरहतों ने, बुद्ध ने जो कुछ सिखाया उस सिखाने का संकलन किया, उसे संचित किया कि बुद्ध तो चले गए अभी,
लेकिन जो जो उन्होंने बताया, जो जो सिखाया, क्या बताया, चलो हम सारे अर्हत लोग बैठकर उसका संकलन करें, जो कि मानव लोगों के कल्याण के लिए हो। बुद्ध तो बार बार निर्माण नहीं होते, बहुत लंबे लंबे समय के बाद सम्यक संबुद्ध निर्माण होते हैं। तो जो कुछ उन्होंने सिखाया उसका हमें संकलन करना है, लोगों के कल्याण के लिए करना है, नहीं तो उनके साथ साथ सब कुछ चला जाएगा, ऐसा मत होने दो। वो तो चले गए लेकिन उन्होंने बताया हुआ रास्ता आज भी जीवित है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और वो रास्ता हमें आने वाले भावी पीढ़ी को देना है। ये सोचकर उस समय 500 अरहत भिक्षु राजगिरी के उस वहाँ एक कुटी बनाई गई, 500 कुटिया बनाई गई और राजगिरी के उस सप्तपर्णी गुहा कहते हैं उसे, उस सप्तपर्णी गुहा यानी कुटी विशेष रूप से बनाई गई जहाँ पर ये अर्हत लोग बैठे और बैठकर उसका पठन पाठन करे, क्या बुद्ध ने सिखाया है। तो ये दो चार दिन नहीं बैठे, एक दो दिन नहीं बैठे, एक दो हफ्ता नहीं बैठे, एक महीना भी नहीं, 6 महीने तक लगातार एक जगह पर बैठे रहे, बैठकर वहीं रहकर वहीं उन्होंने खाना पीना रहना, वहीं उसके बाहर नहीं गए, वो केवल उस सप्तपर्णी गुहा में रहते थे, उसी परिसर में रहते थे राजगिरी में, और वहाँ पर उन्होंने 500 अरहत भिक्षुओं ने, विशेष उस ज्ञान प्राप्त भिक्षुओं ने ये त्रिपिटक को संकलित किया, सारे सूत्र को संकलित किया जो तथागत बुद्ध ने 84,000 सूत्रों में धम्म देशना दी, उन सारे 84,000 सूत्र को वहां संकलित किया गया। ये सब करने में उन्हें 6 महीने लगे, ये इतिहास है और ये इतिहास पत्थरों पर लिखा है, इस संगीति का इतिहास, ये इतिहास भिक्षु संघ ने परंपरा से जिन्होंने बुद्ध को देखा, गुरु शिष्य द्वारा बुद्ध के बारे में बताया, मैंने जैसे मेरे गुरु को देखा, मैं मेरे गुरु के बारे में मेरे शिष्य को बता सकता हूँ कि मैंने ये मेरे गुरु को देखा, मेरे शिष्य ने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने जो देखा तो मैं बता सकता हूँ, और फिर मुझे जिसने देखा वो दूसरों को बता सकते हैं, आने वाले दूसरे शिष्यों को। तो इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा भी चलती है और इस परंपरा ने भी वो संगीति जो हुई प्रथम धम्म संगीति, तो उसका साक्षात्कार भिक्षुओं ने किया। 500 अरहत भिक्षु इकट्ठे बैठे और हजारों लाखों की तादाद में भिक्षु थे, तो उन्होंने भी उसका साक्षात्कार किया, लेकिन बैठे थे संगति में 500 भिक्षु और हजारों भिक्षु समय थे, उन्होंने भी उसका संगति का आनंद लिया, साक्षात्कार किया, समझा जाना, और उसके बाद ये परंपरा चलते रही और इस प्रकार त्रिपिटक तैयार हुआ है। और आज जो हम लिखित त्रिपिटक में जो सूत्र देखते हैं, ये सूत्र का संकलन कैसे हुआ है, ये सूत्र का संकलन इस प्रकार हुआ है, इसीलिए उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता, वो गलत है, केवल कल्पना है, केवल भावना है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन संगति का महत्व है, इस धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का महत्व है, और कैसा वो सूत्र है हम आपको बताएंगे। धम्म चक्र प्रवर्तन पर विशेष देशना हम आपको देंगे और विशेष रूप से कैसा सूत्र की शुरुआत हुई और कैसा उसका समापन हुआ ये भी हम आपको स्वार्थ में बताएंगे, कुछ समय के बाद बताएंगे, आज ही बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी महत्व की ऐसी धम्म देशना सभी विद्वान प्रज्ञावान शीलवान सदाचारी गुणवान उपासक उपासिकाओं ने भी जाननी है, हमारे सभी पूजनीय भिक्षु संघ ने भी जानना है, श्रामणों ने भिक्षुओं ने भिक्षुनियों ने इन सभी ने जानना है, इसलिए हम उन्हें बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। आज धम्म संडे स्कूल के निमित्त
जो सर्वोदय महाबुद्ध विहार में हर इतवार के दिन बहुत बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं आकर इसका जो लाभ लेते हैं, आप ऑनलाइन पर भी लाभ ले रहे हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। इस क्लिप को आप शेयर करिए, अपने परिवार में, दोस्त मित्रों में, सभी में बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और धम्म के लाभी बनिए, पुण्य के लाभी बनिए। आप सबका सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।